फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी की न्यूज है, सोचा नहीं था कि भारत के साथ पंगा महंगा पड़ेगा। कनाडा के 20,000 क्या ये ट्रक बेकार पड़ गए, फिर आया भारत याद। 20,000 ट्रक बेकार पड़ गए, पता नहीं, देखते हैं। ओ, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है हो सकता है कि ड्राइवर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि कनाडा में ड्राइवर्स जो हैं मोस्टली जो हैं हमारे जो वहाँ पंजाब से जाते हैं, तो वो ड्राइवर्स बहुत होते होंगे ना। तो अब क्योंकि वहाँ पहुँचाना अब मुश्किल हो रहा है, उतनी इजीली जा नहीं पा रहे हैं, तो शायद वो वजह हो, या फिर उनके ट्रकों के अंदर कोई ऐसा पार्ट होता होगा जो इंडिया से जाना होता होगा जो नहीं है। मगर इंडिया ने अपने वीजा बंद किए थे कि इंडिया नहीं आ सकते लोग, मगर उन्होंने कुछ बन नहीं किया था, मतलब उनके पर हमने इनके एम्बेसी इसका कम कर दिया ना, तो हो सकता है उससे वीजाज मिलने जो है लोगों को वो कम पड़ गए हों। बताओ भैया क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, देखते हैं। पहले सब अपने अपने गेस करो कि भैया क्या है, वजह क्या है, पहले दिमाग लगाओ, कमेंट में लिखो बिना न्यूज सुने कि भैया क्या लग है, क्या वजह है कि 20,000 जो ट्रक है उनके बेकार पड़ गए हैं। मेरे हिसाब से तो लग रहा है ड्राइवरों की कमी हो गई है। अब आप लोग बताना, सारे पहले कमेंट्स में लिखो, देखते हैं किसका ठीक होता है। अब न्यूज़ देखते हैं फिर पता चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। कनाडा की सरकार ने ऐसे समय में भारत से पंगा लिया है जब उनका देश खुद ही अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने लायक नहीं है। यानी कनाडा की इकोनॉमिकल सिचुएशन इस समय बहुत ही नाजुक बनी हुई है। हाई टैक्सेस के कारण वहाँ पर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग और जॉब क्राइसिस के कारण पहले ही कई सारे लोग कनाडा को छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। इवन खुद ही कनाडा के सिटीजन जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से तंग आकर मिडिल ईस्ट या फिर दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन वो भी डीरेल हो चुकी है, और पिछले 10-12 साल की मेहनत अचानक से बर्बाद हो गई है। अब इन सब के बीच कनाडा के अंदर वहाँ पर एक और बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ खड़ा हुआ है। अब ये चीज तो आपको ही पता होगी कि जो कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री है उसमें भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। पंजाब और हरियाणा साइड के कई सारे लोगों का गोल ही होता है कि कनाडा जाकर वहाँ पर ट्रक लाइसेंस हासिल करना और वहाँ पर ट्रक चलाना। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा के अंदर हर तीसरा ट्रक ड्राइवर भारतीय मूल का होता है। लेकिन अब कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री भी भारत के इमिग्रेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में पूरी तरह से फेल हो रही है, जिसके कारण वहाँ पर कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस समय ड्राइवर्स की 20,000 पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं, यानी 20,000 ड्राइवर्स की वहाँ पर शॉर्टेज चल रही है, जिसके कारण हजारों ट्रक्स वहाँ पर यार्ड्स में खड़े हुए हैं और उनको चलाने वाला कोई भी ड्राइवर नहीं है। इसके अलावा कनाडा की लेबर मार्केट स्नैपशॉट ने ये कहा है कि कनाडा के अंदर लगभग 34,300 ट्रक ड्राइवर्स अगले एक साल के अंदर ट्रकिंग इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं, और जो नए ट्रक ड्राइवर्स आ रहे हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो 20,000 ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज को पूरा कर सके। इसके साथ ही पीडब्ल्यूसी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इस समय जो 20,000 ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज चल रही है वो जल्दी बढ़कर 30,000 तक हो जाएगी, यानी 30,000 ट्रक्स रोड से बाहर यार्ड के ऊपर खड़े होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के अंदर वहाँ पर यंग जनरेशन इस इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं हो रही है, यानी वो ड्राइवर के तौर के ऊपर काम करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा इस प्रोफेशन में पहले जैसी कमाई भी नहीं रही है, और इसके अलावा कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की इमेज यानी जो उनकी छवि होती है वो पहले के मुकाबले काफी खराब हो गई है। सोसाइटी में ट्रक ड्राइवर्स की अब रिस्पेक्ट कनाडा के अंदर रही नहीं है, और सेम सैलरी के ऊपर कनाडा में वहाँ पर और भी कई सारी जॉब्स हैं जहाँ पर स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रकिंग के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण ये भी है कि बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले महिलाएं इस प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। यानी कनाडा के अंदर वहाँ पर महिलाएं ट्रक ड्राइवर्स नहीं बन रही हैं। कनाडा के अंदर केवल 3% ट्रक ड्राइवर्स महिलाएं हैं। अब हुआ क्या कि भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स का इंटरेस्ट भी अब ट्रक ड्राइवर बनने में काफी कम हो गया है, और भारतीय मूल के इमिग्रेंट्स जो भी कनाडा में जा रहे हैं वो वहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब्स की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज, क्लर्कियल, डेस्क, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखा जाए तो ट्रकिंग इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक तरह से बैकबोन होती है। ऐसे में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की लापरवाही के कारण कनाडा एक और बड़े नुकसान की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में आपको देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में कनाडा और भी भारत के लोगों को वीजा दे, उनको अपने देश में ट्रकिंग का लाइसेंस दे, और कोशिश करेगी जो थोड़े कम पढ़े लिखे भारतीय इमिग्रेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जाकर ट्रक ड्राइवर्स की वैकेंसी को फिल करें, यानी वहाँ पर जाकर ट्रक ड्राइवर्स बन जाएं, क्योंकि नंबर्स के मामले में कनाडा की एक ही देश मदद कर सकता है और वो है भारत। तो भैया
सुन लिया मैं, मतलब मैं ठीक थी, मैंने कहा था कि ड्राइवर्स की कमी हो रही होगी और यहाँ से इतने जा नहीं रहे होंगे, तो इससे ये पता चल रहा है कि अच्छा है बल्कि हम लो लेवल जॉब्स क्यों करें। मेरे को तो बहुत खुशी हुई जब उन्होंने ये बोला कि भाई अब जो लोग हैं वो ट्रकिंग ट्रुकिंग के लिए, ड्राइवर्स बनने के लिए नहीं जाते, अब वो पढ़े पढ़ वहाँ पे पढ़े लिखे जॉब्स जो होती हैं उनको करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा। और देखो एक तो ट्रक ड्राइवर बनना वहाँ पे कनाडा में बहुत ही टफ लाइफ है, क्योंकि आपको ड्राइव करके जाना है वहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्नो गिरी होती है, डेंजरस भी है, फिर पूरा मतलब कितने कितने दिनों तक आप ड्राइव करके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह गंदे मौसमों के अंदर, पूरा टाइम आप बस ट्रक ड्राइविंग ही कर रहे हो, रात दिन कोई जिंदगी नहीं, कोई फैमिली लाइफ नहीं, और वो भी किस लिए, कुछ पैसों के लिए, और उसके बाद आपको इज्जत भी नहीं मिल रही। अब पहले जो तो हो सकता है ऐसे हो कि जो सैलरी मिल रही हो वो अच्छी खासी हो, पर आज के टाइम में अब वो सैलरी खास नहीं मानी जाती, महंगाई भी बढ़ रही है, उनकी जो सैलरी है वो इतनी आगे ऊपर नहीं हो रही, टाइम के साथ साथ जो है उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही होगी, तो कह रहे हैं अब और ऐसी कई जॉब्स हैं जिसमें कष्ट कम है और पैसा उतना ही है, तो लोग जो है प्रेफर नहीं कर रहे होंगे, वहाँ के खुद जो कनाडा के रहने वाले हैं वो ये जॉब नहीं करना चाहते। अब इनको कैसे लेगी ये जॉब्स फिल करेंगे ड्राइवर्स की, कि कोई बाहर से जो है कंट्री, दूसरी कंट्रियों से लोगों को बुलाएं, और मेन कौन सा था इनका सोर्स कि कहाँ से लेके आएँ, इंडिया से लेके आएँ, और इंडिया से रिलेशनशिप इन्होंने जो है बदतर कर ली है, और साथ में भैया लोग भी आना नहीं चाहते वहाँ, यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि हम ट्रक ड्राइविंग नहीं करने वाले, हम तो पढ़े लिखे जा कनाडा वाले जो कनाडा जाएंगे पढ़ेंगे, मोस्टली पढ़ने जाते हैं फिर वहाँ पे फिर जॉब लेते हैं, तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए नॉर्मली उनकी सैलरी तो अच्छी है काफ़ी ट्रकिंग की, क्योंकि हुआ यह था कि बहुत ही डिमांड बहुत ज़्यादा थी मगर शॉर्टफॉल थी, मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे उनके, लोकल लोग, उसकी वजह से जो है सैलरियाँ बहुत बढ़ गई उनकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बंदा सुबह घर से निकलता है वो वापस घर में रात को नहीं आ पाएगा, मेजॉरिटी में एक बहुत रेयर होती है जिसमें आप सुबह ट्रक चलाइए और रात तक वापस आ जाइए, ऐसे बहुत रेयर है, मैक्सिमम लॉन्ग डिस्टेंस वाली हैं। सुबह बंदा बैठा, उसने चलानी है, सुबह चलाता हुआ जाएगा किसी और सिटी तक, वहाँ पहुँचेगा तब उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई, अब अगले दिन ही वापस आएगा। नॉर्मली इतना भी नहीं होता, उसके आगे के रूट जाते हैं एक वीक का होता है कि निकला मंडे और फिर सैटरडे संडे ही घर अपने वापस आएगा और चलाता रह जाएगा जगह जगह, रात को रुकने में ही होता है, रात को रुकेगा ट्रक के अंदर ही, उनको सोना पड़ता है फिर करना पड़ता है, तो काफ़ी टफ लाइफ होती है। और मिनिमम उनका होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारा दिन चलाते रहें, उसके भी रूल लगे होते हैं कि आपने इतने घंटे ज़्यादा आप चला नहीं सकते, आपको रुकना पड़ेगा कहीं पर, प्लस वहाँ स्नो है फिर स्लो चलता है, आपको चेनें लगानी पड़ती है टायरों के ऊपर, बहुत पंगे पड़ते हैं, तो ये है। मगर सैलरी काफ़ी अच्छी है मैं ये कह सकता हूँ, फिर भी मोस्टली लोग मेरे ख्याल से नहीं आ रहे लाइफस्टाइल के लिए, कि लाइफस्टाइल पूरा ही बकवास है। नहीं यार यही कनाडा में ही तो ट्रक ड्राइवरों ने किया था ना वो, हाँ, फिर वो तो वो किस लिए किया वो था, वो तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया था, प्रॉब्लम्स आ गई थी उसके, पॉलिटिकली उन्होंने मोटिवेट करा के पूरा करा दिया कि ट्रक वालों ने स्ट्राइक कर दी, ये कर दी, वो तो पॉलिटिकल था। देखिए हर डिवीज़न में कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं बुरे एलिमेंट्स होते हैं, तो बुरे एलिमेंट्स ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि वो जहाँ से रोड आ रही है इमिग्रेशन वाली, जो बॉर्डर वाली रोड्स आ रही हैं वो रुकवा दो, ये कर दो वो कर दो, वो तो वो अपना पॉलिटिकल था। तो वो इसलिए नहीं था क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स को कोई राइट्स चाहिए थी या सैलरी इंक्रीज चाहिए नहीं, क्योंकि सैलरी तो ऑलरेडी यूएस और कनाडा में ट्रक ड्राइवरों की बहुत हाई हो चुकी है, बहुत मतलब इतनी अनफ है, मगर फैमिली लाइफ जीरो है, तो इसीलिए लोग नहीं जाते। ये प्रॉब्लम्स तो उनको आ ही रही हैं उनके देश में, भुगतो मैं तो ये कह रही हूँ। चलो अभी शेवर ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।